एनिमल किंगडम में कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ दो ऐसे शातिर खिलाड़ी हैं कि इनके चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ताकत के मामले में दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर देते नजर आते हैं। जहां मगरमच्छ पानी का बेताज बादशाह है, वहीं कोमोडो ड्रैगन किसी चलती फिरती मौत से कम नहीं है। कोमोडो ड्रैगन अपनी गजब की सूंघने की क्षमता से शिकार का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है, तो वहीं मगरमच्छ के मजबूत जबड़े से कोई नहीं बच सकता। सोचिए क्या होगा जब एनिमल किंगडम के ये दो शातिर खिलाड़ी का आमना सामना होगा। दोनों में किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार, चलिए देखते हैं। लोकेशन एंड हैबिटेट। सबसे पहले बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन की। ये मॉनिटर लिजार्ड फैमिली वरेनेडाई का एक सदस्य है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली के रूप में दुनिया भर में फेमस है। वैसे तो कोमोडो ड्रैगन्स डायनासोर के जमाने से धरती पर राज करती आ रही हैं, लेकिन इसकी खोज लगभग 100 साल पहले ही हुई है। इसे कोमोडो लिजार्ड और कोमोडो मॉन्स्टर जैसे नामों से भी जानते हैं। ये विशालकाय छिपकली मुख्य रूप से इंडोनेशियाई आइलैंड कोमोडो पर पाई जाती है, जहां से इसका नाम कोमोडो ड्रैगन पड़ा है। हालांकि इसके अलावा कोमोडो ड्रैगन रिंका, फ्लोर्स और गिली मोटांग में भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि इंडोनेशिया का ही पार्ट है। वहीं अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो ये बड़े सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, यानी ये पानी और जमीन दोनों जगह पर रहने में सक्षम है। कोमोडो ड्रैगन की तुलना में इनका एरिया काफी विस्तृत है। मगरमच्छ एशिया, अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। मगरमच्छ मैंग्रीव दलदलों और मुहानों को पसंद करते हैं और यह नमक और मीठे पानी में दोनों जगह रहने में सक्षम है। नतीजे पर पहुंचने से पहले हम कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ का आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से किसके पास अपने दुश्मन से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए कौन कौन सी पावर्स है। साइज। कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली हैं। इन जंगली ड्रैगन्स का वजन आमतौर पर लगभग 150 पाउंड यानी कि 70 किलो के आसपास होता है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक एक कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 10 फीट यानी कि 3.5 मीटर तक दर्ज की गई थी और इसका वजन 366 पाउंड यानी 166 किलोग्राम था। कोमोडो के विशाल आकार के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि एक मॉनिटर छिपकली जो 50,000 पहले तक ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वो सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन के आकार का 10 गुना थी। लेकिन मगरमच्छ के साइज के सामने कोमोडो ड्रैगन्स कमजोर नजर आती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ का वजन 1,075 किलोग्राम यानी कि 2,370 पाउंड था और इसकी लंबाई 20 फीट थी, जबकि एक मेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लंबाई 23 फीट यानी कि 7 मीटर और वजन 2,205 पाउंड यानी कि 1,000 किलोग्राम दर्ज किया गया है। वास्तव में खारे पानी की मगरमच्छ आज दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर मगरमच्छ दो प्रकार के होते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और मीठे पानी के मगरमच्छ यानी कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र और नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं, वहीं मीठे पानी के मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्पीड एंड मूवमेंट। स्पीड की बात करें तो मगरमच्छ जमीन पर 22 मील प्रति घंटे और पानी में 15 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ लगाने में माहिर होते हैं, जबकि कोमोडो ड्रैगन्स रेंगने की गति का उपयोग करके 11 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। कोमोडो के मुकाबले मगरमच्छ काफी तेज गति से रेंगते हुए अपने शिकार को धर दबोचते हैं। कई बार तो इनके शिकार पकड़ने की स्पीड पलक झपकने से भी तेज होती है। इस तरह कोमोडो और क्रोकोडाइल की लड़ाई में अभी तक मगरमच्छ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमें इनकी और भी पावर्स और फीचर्स को देखना जरूरी है। सेंसेस। मगरमच्छ के पास अच्छा नाइट विजन होता है और ये पानी के नीचे भी आराम से देख सकते हैं। इसके जरिए मगरमच्छ कमजोर दृष्टि वाले शिकार को आराम से पकड़ लेते हैं, जबकि कोमोडो का नाइट विजन खराब होता है। मगर इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही गजब की होती है, जो मीलों दूर से ही शिकार को पहचान लेता है। कोमोडो ड्रैगन में समग्र रूप से अधिक शक्तिशाली इंद्रियां होती हैं, जिसका इन्हें काफी फायदा मिलता है। इस तरह स्मेलिंग सेंस की पावर के दम पर कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ को पछाड़ सकती है, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ये पावर सिर्फ काफी नहीं है। फिजिकल डिफेंसेस। कोमोडो ड्रैगन के पास एक लंबी पूंछ, मजबूत और फुर्तीली गर्दन के अलावा स्टर्डी लिम्स होते हैं। इनकी जीभ पीली और कांटेदार होती है, जो सांप की तरह आगे की तरफ और दो हिस्सों में कटी हुई होती है। वयस्क कोमोडो भूरे या लाल रंग के होते हैं, जबकि युवा कोमोडो ड्रैगन्स डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। वहीं मगरमच्छ की चमड़ी काफी मोटी और मजबूत होती है। मगरमच्छ में युवा होने पर काली धारियों के साथ रंग हल्का पीला होता है, लेकिन वयस्कों का रंग डार्क ग्रीनिश डार्क होता है।
होता है। मगरमच्छ की पूंछ लंबी और भारी होती है। मगरमच्छ की पीठ की खाल बहुत कठोर होती है, इतनी कि बुलेट से भी इसे भेदा नहीं जा सकता। यह हड्डीनुमा संरचना यानी कि बोनी स्ट्रक्चर से निर्मित होती हैं, जिसे ऑस्ट्रोडर्म्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रोडर्म्स ही मगरमच्छों की पीठ को बुलेट प्रूफ बनाती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों का फिजिकल डिफेंस बहुत ही अच्छा खासा है। बाइट पावर एंड टीथ। कोमोडो ड्रैगन्स के पास पावरफुल बाइट नहीं होती है, हालांकि इनके पास एक इंच तक लंबे 60 रेजर शार्प टीथ होते हैं, जो अपने शिकार को गंभीर रूप से चीर फाड़ करने में सक्षम होते हैं। वहीं मगरमच्छ के दांत 4 इंच लंबे होते हैं और इनके पास एक मजबूत जबड़ा भी होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरे एनिमल किंगडम में मगरमच्छ के पास सबसे शक्तिशाली बाइट फोर्स होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 3700 PSI होता है। मगरमच्छ इतनी ताकत के साथ काटता है कि हड्डियों का चूरमा बनने में देर नहीं लगती। इसके अलावा मगरमच्छ काफी आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं और जब इन्हें गुस्सा आता है तो शिकार पर बिजली की तेजी से टूट पड़ते हैं। डाइट। मगरमच्छ ज्यादातर मछलियां, उभयचर, क्रिटेशियंस, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों को खाना पसंद करते हैं। मगरमच्छ के बारे में एक अनोखी बात ये भी है कि शिकार को निगलने के बाद ये पत्थर के टुकड़े भी निगल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े पेट में जाकर भोजन को तोड़कर और पीसकर चूरा बना देते हैं। ये प्रक्रिया भोजन पचाने में सहायक होती है। किसी भी वर्टिब्रेट में मगरमच्छ का पेट सबसे ज्यादा अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। इसी कारण यह अपने शिकार की हड्डियां, सींग और खुर आदि को भी पचा जाते हैं। वहीं कोमोडो ड्रैगन्स लगभग किसी भी प्रकार का मांस खाते हैं। ये ताजा और सड़ा गला मांस सब हजम कर जाते हैं। ये स्मॉल रोडेंट से लेकर बड़ी वाटर बफेलो का शिकार करने में सक्षम है। कोमोडो अपने भोजन को पचाने के लिए पेट के एसिड और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। जेस्ट्रेशन पीरियड एंड लाइफ स्पैन। मादा कोमोडो ड्रैगन सितंबर के महीने में अंडे देती है। मादा एक बार में तकरीबन 20 अंडे देती है, जिन्हें ये 7 से 8 महीने तक सेती हैं। अंडों से निकलते ही बच्चे शिकारियों से बचने के लिए छिप जाते हैं और छोटे मोटे शिकार पर डिपेंड रहते हैं। एक वयस्क कोमोडो ड्रैगन भूख लगने पर अपने ही परिवार के स्मॉल कोमोडो को अपना भोजन बना लेते हैं। बच्चों को वयस्क होने में लगभग 8 साल का वक्त लगता है। मगरमच्छ के गेस्टेशन पीरियड की अगर बात करें तो एक अकेली मादा आमतौर पर 30 से 60 अंडे देती है और इन्हें लगभग 3 महीने तक इंक्यूबेट करती है। मगरमच्छों के घोंसले का तापमान यह निर्धारित करता है कि अंडों में से निकलने वाले मगरमच्छ का लिंग क्या होगा। जंगल में कोमोडो का जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है, जबकि इनके मुकाबले मगरमच्छ एक लंबा जीवन जीते हैं। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 70 साल का है, जबकि नील मगरमच्छ 50 से 60 साल तक जीते हैं। कॉम्बैट स्किल्स ऑफ कोमोडो ड्रैगन एंड अ क्रोकोडाइल। मगरमच्छ की गिनती टॉप प्रीडेटर्स में होती है। ये घात लगाकर अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये शिकार के करीब आने का इंतजार करते हैं और फिर उस पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ पड़ते हैं। मगरमच्छ अपने से बड़े शिकार को घसीटकर आसानी से नीचे गिराने में सक्षम होते हैं। ये खूंखार शिकारी अपने दांतों से दुश्मन को पकड़ते हैं और अपने शरीर को तब तक घुमाते हैं जब तक कि शिकार के चीथड़े चीथड़े ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन शिकार करते वक्त कैमोफ्लोज और पेशेंस पर भरोसा करते हैं। ये शिकार को पकड़ने के लिए गेम ट्रेल के साथ एक स्थान पर घंटों बिता सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन दुश्मनों पर दस्तक देने और उनके कमजोर क्षेत्रों पर हमला करने के लिए अपनी स्पीड और वजन का उपयोग करते हैं, जिससे दुश्मन की मौत हो जाती है। कोमोडो ड्रैगन में बड़े जीवों को तुरंत मारने के लिए आवश्यक मैसिव पावर की कमी होती है, लेकिन ये अपने कांटेदार दांतों का उपयोग करके अपने दुश्मन को गंभीर रूप से चीर सकते हैं। फाइट बिटवीन कोमोडो ड्रैगन एंड अ क्रोकोडाइल। वैसे तो मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन का आमना सामना होना नामुमकिन है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन्स केवल एक सीमित जगह तक फैले हैं और वहां मगरमच्छ का कोई आना जाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी दोनों की फाइट होती है तो इनकी पावर्स के आधार पर मगरमच्छ की ही जीत होगी। कोमोडो के खिलाफ लड़ाई में मगरमच्छ के पास अच्छी स्पीड, शक्तिशाली शरीर, दुनिया का सबसे मजबूत बाइट फोर्स और बेहतरीन नाइट विजन है। इसके आधार पर मगरमच्छ की जीत तो पक्की है। मगरमच्छ पानी में कोमोडो ड्रैगन की प्रतीक्षा कर उसे लहरों के नीचे खींचकर क्रूर मौत दे सकता है। कोमोडो ड्रैगन के प्रभावी ढंग से जवाब देने से पहले ही एक मगरमच्छ आसानी से कोमोडो ड्रैगन पर चढ़ सकता है, उसे अपने मजबूत जबड़े की मदद से काट सकता है और अंत में उसे मौत के घाट उतार सकता है। बेशक कोमोडो के दांत नुकीले होते हैं और लड़ाई के दौरान वो मगरमच्छ को गंभीर घाव दे सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ का इस लड़ाई में हारना नामुमकिन है। इसलिए हमारे नजरिए
से मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन की लड़ाई में मगरमच्छ ही विनर साबित होता है। लेकिन दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, दोनों में से कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।